बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाएंगे। इसमें हम कोई भी आइसक्रीम ऐड नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट नाकाबिले यकीन हद तक टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ऐसी स्ट्रॉबेरीज़ को सिलेक्ट करें इसके लिए जो कि मुकम्मल तौर पे पकी हुई हों। मेरा मतलब है उनके ऊपर जो वाइट पार्ट है वो कम होना चाहिए, और अगर है तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो स्ट्रॉबेरीज़ को आप फ्रिज में कैसे लंबे अरसे तक आराम से फ्रेश रख सकते हैं और इसे फ्रीज कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तरीके मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे एक पाव के करीब हैं स्ट्रॉबेरीज मेरे पास। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनके पत्ते भी रिमूव कर लिए हैं और इनका वाइट पार्ट भी हमने उतार दिया है। फिलहाल इसमें इतना ही दूध ऐड करेंगे जिसमें ये स्ट्रॉबेरीज अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। दूध ही अच्छी तरह से उबला हुआ है और मुकम्मल तौर पे ठंडा है, ठीक है। बीटर के बगैर ही आप कैसे घर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही क्रीमी और थिक हो जाएगा। और ये है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, सिर्फ 5 मिनट में आप बहुत आसानी के साथ घर में ही इसे रेडी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे शेक करेंगे और इसे शेक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, चंद सेकंड में ही बहुत अच्छी तरह से ये दूध में मिक्स हो जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ले जनाब, हमारा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें आइसक्रीम नहीं ऐड करूंगी, बल्कि इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसमें कोई भी रेड सिरप ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी इंक्रीज होगा। आप जामे शीरी, रूह अफ्सा, स्ट्रॉबेरी सिरप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबके रिस्क में बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जजाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।